गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइड प्रिया सिंह। सो गाइस, आज के वीडियो है रिलेटेड टू हेयर केयर वीडियो। सो जैसे जैसे विंटर करीब आ रहा है ना, वैसे वैसे हमारे जो हेयर रिलेटेड इश्यूज है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आज की बहुत ही अमेजिंग सी धमाकेदार वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोग के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 सुपर विंटर केयर हैक्स शेयर करने वाली हूँ, जो ना इस सीजन आपके हेयर को प्रोटेक्ट करके भी रखेगा, आपके हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ जैसे छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं ना, वो तो चुटकी बजा के सॉल्व होने वाले हैं, ट्रस्ट मी। सो ये जितने भी हेयर हैक्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल, बहुत ही ज्यादा इजी एंड होममेड रेमेडी से आप ट्रीट कर पाओगे। सो इंट्रो को बिना लंबा करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हैक नंबर 1 इज प्रोटेक्ट योर हेयर। तो हेयर इशू तो तभी होता है ना, कि जब आप अपने बालों को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, एंड अगर आप अपने बालों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो हेयर इशू तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग अपने बालों को प्रोटेक्ट कैसे करें, बिकॉज जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, डैमेज करती है हमारे बालों को, वो होता है बाहर की ठंडी हवा। जो ये विंटर सीजन की हवा होती है ना, उससे हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो बाहर की ठंडी हवा हमारे बालों में जो जाती है, ये हमारे बालों को फ्रिजी, डैमेज, डल, ड्राई कर देती है। तो इसके लिए जब भी मैं बाहर जाइए, उससे पहले आप ना अपने बालों को अच्छे से प्लीट्स बना लीजिए, क्योंकि मेरे लंबे बाल है तो मैं तो प्लीट्स बना लेती हूँ। अगर आपके छोटे बाल है तो आप बन भी बना सकते हो, हाई पोनी टेल भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके ना कम से कम बाल में हवा जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल में मॉइस्चर बना रहता है, आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते। सेकेंड थिंग, आपको जब भी बाहर स्टेप आउट कीजिए, फेस और अपने बालों को अच्छे से कवर करके ही जाइए, क्योंकि बाहर की ठंडी हवा आपको कब आपके बालों को खराब कर दे, नो वन नोज। तो बाहर जाइए तो बाल को कवर करके ही जाइए। हेयर हैक नंबर 2 इज डीटैंगल योर फ्रिजनेस। सो गाइस, जब भी हम लोग बाहर से घर में आते हैं तो कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, मेकअप रिमूव कर लेते हैं, फेस वॉश सब कुछ कर लेते हैं, बट अपने बालों को डीटैंगल ही नहीं करते। तो जब भी आप बाहर से घर में आते हो ना, तो जो सारा काम करते हो ना, उसमें एक काम ये कीजिए कि अपने बालों को डीटैंगल करके ही सोइए, या फिर आप रेस्ट कीजिए। बिकॉज अगर आप अपने बालों को डीटैंगल नहीं करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको डीटैंगल कैसे करना है, नीचे से लेके ऊपर तक। आपको डायरेक्ट ऊपर से नहीं स्टार्ट करना है, स्कैल्प से नहीं, पहले स्लोली स्लोली अपने नीचे के बालों को डीटैंगल कीजिए। जितनी भी फ्रिजनेस है उसे अच्छे तरीके से कोम्ब कीजिए। कोम्ब करते करते हल्के हल्के से आपको ऊपर आना है, जैसे दो पार्टीशन में करके दिखा रही हूं ना, इन द सेम वे आपको भी करना है। इससे क्या होगा कि आपके बालों में जब डीटैंगल नहीं होगा, आपके बाल फ्रिजी नहीं होंगे, एंड फ्रिजी नहीं होंगे तो हेयर फॉल का भी कोई इश्यू नहीं होगा। हैक नंबर 3 इज ट्रीट योर डैंड्रफ। तो यार, जो ये विंटर की हवा होती है ना, वो स्कैल्प को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हम लोग को लगता है कि वो हमारे सिर्फ बालों को इफेक्ट करी, बट वो स्कैल्प को भी इफेक्ट करती है। एंड स्कैल्प जब ड्राई होता है तो डैंड्रफ का एक्यूमुलेशन वहीं से स्टार्ट होता है। अब डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए तो बहुत सारे मेथड है, बट मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगी। आप कोई भी ब्रांड का ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आपके पास जो भी ऑयल है ना, वो ले लीजिए, ठीक है, एक बोल में। उसके अंदर आपको लेमन जूस को स्क्वीज आउट करना है, अच्छा सा हाफ लेमन जूस स्क्वीज आउट कर लीजिए। मिक्स करने के बाद सिंपली अपने पूरे स्कैल्प एरिया में, जहां जहां आपको डर है कि वहां आपको डैंड्रफ हो सकता है या फिर हो रहा है, वहां पे अच्छे से अप्लाई करके मसाज कीजिए। आपको स्कैल्प एरिया पे ही सिर्फ लगाना है, हेयर लेंथ पे नहीं। मसाज करने के बाद एक घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक घंटे बाद आपको हेयर वॉश करना है। आप ये एवरी मॉर्निंग भी फॉलो कर सकते हो या फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे भी। ट्रस्ट मी, विद इन अ वीक आपके डैंड्रफ रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज जो लेमन जूस है ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है, एंड वो आपके डैंड्रफ को जाके अटैक करेगा। एंड मस्टर्ड ऑयल आपके स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, सो दैट कि आपका स्कैल्प हेल्दी रहे, एंड साथ ही साथ उसमें मॉइस्चराइजेशन आए। हेयर हैक नंबर 4 इज हेयर टॉनिक। अब ये हैक उन सारी गर्ल्स के लिए है जो चाहती हैं कि उनके बाल एकदम लंबे, घने, डबल ट्रिपल हेयर ग्रोथ हो जाए। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा अपनाना है, दैट इज राइस वाटर। अब राइस वाटर को कैसे यूज करना है, जब भी मेरी मम्मी ना लाइक राइस को भिगोने जाती है ना दोपहर के खाने के टाइम, तो उसी टाइम जब वॉश ऑफ करती ना, तो उसमें से जो पानी बचता है ना, मैं उसे निकाल के रख लेती हूँ, एंड देन इसके अंदर मैं ग्रीन टी मिक्स कर लेती हूँ। आप ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी भी मिक्स कर सकते हो। मिक्स करने के बाद दोनों इंग्रेडिएंट को आपको अपने सिंपली अपने पूरे स्कैल्प एरिया पे स्प्रे कर लेना है, एंड देन मसाज करना है, क्योंकि ये जो हेयर टॉनिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, एंड आपके बालों को एकदम ग्रोथ बनाने में, एक्स्ट्रा ट्रिपल ग्रोथ बनाने में बहुत ही बेनिफिशियल। राइस वाटर ऑफकोर्स सब इतना ज्यादा वायरल हो चुका है कि राइस वाटर हेयर ग्रोथ के लिए कितना बेनिफिशियल है। ग्रीन टी आपके ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा देगा, या आपके स्कैल्प को क्लेंस करके रखेगा एंड फ्रेश भी रखेगा। सो डू ट्राई।
हेयर हैक नंबर 5 इज कंट्रोल हेयर फॉल। तो अगर आपने सब कुछ करके देख लिया बट आपका हेयर फॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, हेयर लॉस होते जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर। एंड इसके लिए मैं हाईली सजेस्ट करूँ बी ब्लंट रेंज, बिकॉज बी ब्लंट एक प्रीमियर हेयर केयर एंड स्टाइलिंग रेंज है। प्लस बी ब्लंट से जब भी आप शॉपिंग करते हो तो वो आपके ऑर्डर के लिंक कर देते हैं टू अ वुमन दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन। दे आर ऑन द मिशन टू एम्पावर 10,000 वुमेन अक्रॉस द नेशन। तो सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ बी ब्लंट का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू। सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से मैं वेट कर लूंगी। वेट करने के बाद स्क्वीज आउट कर दीजिए एंड देन थोड़ा सा शैम्पू लेके आपको मसाज करना है अपने पूरे स्कैल्प एरिया पे जेंटली सर्कुलर मोशन में। इसके अंदर होहोबा एंड विटामिन ई ऑयल है जो आपको डीपली नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। हेयर वॉश करने के बाद एक्सेसिव वाटर को स्क्वीज आउट कर लीजिए एंड देन आई एम गोइंग टू यूज बी ब्लंट इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर फॉर सीरियसली ड्राई हेयर। आपको थोड़ा सा अमाउंट लेके अपने पूरे लेंथ एंड एंड्स पे अप्लाई करना है, स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है। 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये एक मॉइस्चर रिच कंडीशनर है जो आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है। इसमें होबा एंड विटामिन ई ऑयल है जो आपके स्मूदन करेगा, सॉफ्टन एंड एड शाइन इन योर लुक्स। कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, मेरे बालों में इतना ज्यादा सिल्की शाइननेस आ गई है, सैलॉन लाइक हेयर लग रहे हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स देन इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो PS20 देन यू विल गेट 20% ऑफ ऑन योर ऑर्डर। एंड प्लस आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे बी ब्लंट के वेबसाइट पे, Amazon, Flipkart एंड Nykaa पे। सो डू चेक इट आउट फॉर योर साइड इफेक्ट्स। हेयर हैक नंबर 6 इज आफ्टर वॉश केयर। तो हेयर वॉश तो सब लोग कर लेते हैं बट आफ्टर वॉश केयर अगर जिसने अच्छे से कर लिया तो ट्रस्ट में उसके बाल तो गजब के हेल्दी होने वाले। तो गाइस, बाल वॉश करने के बाद सबसे पहले हेयर रोलर, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर या फिर तो कोम आपको बिल्कुल भी अपने बालों में टच तक नहीं होने देना। अब अपने बालों को कैसे डिटैंगल करें? सिंपली अपनी फिंगर्स की हेल्प से आप अपने बालों को जिस भी पोर्शन में डिटैंगल करना चाहते हो उस भी पोर्शन में अच्छे से डिटैंगल कर लीजिए। बिकॉज आपके जो फिंगर्स होते हैं आपके बालों से जब टच होते हैं ना तो वो टूटते नहीं है क्योंकि आपके हाथ को पता रहता है कि किस तरीके से आपको उसको सुलझाना है। ठीक है, सुलझाने के बाद आपको सिंपली कोई भी हेयर सीरम यूज कर लेना है। मैं पर्सनली एलोवेरा जेल यूज करती हूँ मार्केट का एज अ हेयर सीरम, या फिर तो कभी कभी मार्केट का भी यूज कर लेती हूँ, बट मुझे एलोवेरा जेल एज अ हेयर सीरम बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से एलोवेरा जेल को अपने हेयर पे अप्लाई कर लीजिए एंड उसे ऐसे ही नेचुरली ड्राई होने दीजिए। ट्रस्ट मी, अगर ये चीज ही कर ली ना तो हेयर फॉल तो उसी दिन से रुक जाएगा एंड आपके बाल इस विंटर सीजन गजब के हेल्दी दिखने वाले हैं, गजब के स्मूथ सिल्की होने। हेयर हैक नंबर 7 इज प्रोडक्ट केयर। तो यार, हम लोग अपने बालों की तो बहुत ही अच्छी तरीके से केयर कर लेते हैं बट जब बात आती है वो सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स की जो हमारे बालों से टच हो रहे हैं उनकी केयर कैसे करें, जैसे कि कोम हो गया, क्लचर हो गया, आपका रबर बैंड, हेयर बैंड हो गया, इन सब का क्लीन होना भी तो इतना इंपॉर्टेंट है ना। तो आप वीक में एक बार या फिर तो 10 डेज में एक बार उन सारे प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से बाल्टी में या फिर एक कोई भी बोल ले लीजिए, उसमें लैदर क्रिएट करके आप ना उसे अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए। बिकॉज आपके जो कोम होते हैं, आपका जो रबर बैंड होता है उसमें बहुत सारे डेड स्किन सेल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, बालों का कोई ऑयल रह गया, आपने ऑयल लगाया था उसे टच किया तो वो सब रह जाता है। तो उसे अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए क्योंकि इवेंचुअली वही सारे हेयर के प्रोडक्ट्स तो आपसे हेयर से टच हो रहे हैं एंड अगर वो नहीं क्लीन होंगे तो आपका हेयर स्कैल्प कैसे क्लीन रहेगा, आपका हेयर लेंथ कैसी क्लीन रहेगी। तो उनको भी क्लीन करते रहिए एटलीस्ट वंस अ वीक या फिर 10 डेज। हेयर हैक नंबर 8 इज यूजिंग प्लास्टिक रबर। सो गाइज, आजकल ना सबका ट्रेंड बन गया है कि स्कूल कॉलेज ऑफिस में जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल करके जाते हैं। उसके लिए ऑफकोर्स वो पतले वाले जो प्लास्टिक के रबर्स होते हैं ना वो यूज करते हैं। उसे यूज करने में कोई बुराई नहीं है बट रेयरली यूज करना ज्यादा बेस्ट है कि डेली आप यूज कर रहे हो। बट उसे लगा तो लेते हैं बट उसे रिमूव जब करते हैं ना 3-4 हेयर स्ट्रैंड्स और ऐसे निकल आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसी टाइप की हेयर स्टाइल करके जाओ जिसमें आप वो हेयर प्लास्टिक के रबर यूज कर रहे हो ना, तो उसे जब रिमूव करते हो ना तो सिंपली आप उसे कट ऑफ कर दीजिए। बिकॉज जो आते तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल, बहुत ही सस्ते हैं, तो अगर आप उसे कट भी कर दे रहे हो तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जितने आपके बाल इफेक्ट कर रहे हैं। तो आज के बाद अगर प्लास्टिक के रबर्स यूज कर रहे हो तो आप उसको सिंपली निकाल के प्रोटेक्ट करके मत रखो, आपको अपने बालों पे भी ध्यान देना है, उसे बस कट कर दो क्योंकि वो वैसे भी 1-2 दिन बाद ना वो टूट ही जाएगा क्योंकि वो इतने पतले होते हैं ना कि लिटरली 1-2 बार यूज टूटना ही टूटना है। तो पहले ही आप उसको काट दो ना सो दैट कि आपके बाल तो ना टूटे। हेयर हैक नंबर 9 इज ट्रिमिंग योर हेयर। अब आप लोग बोलोगे एक तो ऐसे ही इतना हेयरफॉल हो रहा है, हेयर
ग्रोथ हो नहीं रही, ऊपर से दी कह रही है कि ट्रिम करवा लो। तो ट्रिमिंग इसलिए नेसेसरी होती है क्योंकि हम लोग अपने बालों को सोचते हैं कि यार बड़े होंगे बड़े होंगे बड़े होंगे, इसकी वजह से ट्रिम ही नहीं करवाते एंड कटवाते ही नहीं, जिसकी वजह से ना ये नीचे से बाल एकदम ड्राई होने लगते, फ्लेकी दो मुहे बाल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्रिमिंग इसलिए करवानी है सो दैट कि आपके जो स्प्लिट एंड्स वाले हेयर हैं, जो ड्राई हेयर हैं, एटलीस्ट वो जब कट ऑफ हो जाएंगे ना, तो वो ड्राइनेस आपके पूरे हेयर स्ट्रैंड्स पे तो नहीं ले जाएंगे, तो वो ड्राइनेस को आपको एक्चुअली में कट करना है। आपको अपने बालों को नहीं, ये ड्राइनेस जो नीचे के दो मुहे बाल हो जाते हैं इसको कट ऑफ करना है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ ना कि दिसंबर मंथ में या नवंबर मंथ में तो मैं कट ऑफ कर ही लेती हूँ, क्योंकि एक डिफरेंट हेयर लुक भी चाहिए क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा होता है। तो मैं सोचती हूँ कि यार हेयर लुक करवाने के लिए अच्छा सा हल्के हल्के से ट्रिम करवा लें, तो बहुत ही ज्यादा नहीं करवाना, एकदम एक दो इंचेस का करवा लीजिए। जितने जितने आपके बाल ड्राई है, जहां जहां तक आपको लग रहा है ना एकदम रूखे सूखे हो गए बेजान हो गए ना, वहां वहां उतने उतने कटवा लीजिए, देखना उस दिन से आपके बाल और ज्यादा शाइनी दिखने लगे। हेयर हैक नंबर 10 इज हेयर फूड। तो गाइज आप बाहर से जितनी केयर करते हो उतना ही केयर इंटरनली भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज करो एक पौधा है, आप उस पौधे को रूट्स को पानी देते हो ना, पत्ते को तो पानी देते नहीं हो कि वो बड़े हों, इन द सेम वे बाहर से केयर कर रहे हो बट इंटरनली भी आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब उसके लिए हेयर फूड के लिए जो सबसे बेस्ट होता है विंटर सीजन में इज ग्रीन वेजीज, बिकॉज इस मौसम में ना जो ग्रीन वेजीज बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है, लाइक कैप्सिकम हो गया, देन पत्ता गोभी हो गया, साग खा सकते हो या फिर मूली खा सकते हो। ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं ना, इसमें भर भर के बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके बालों को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाता है। तो मैं तो मेक श्योर करती हूँ कि यार इस सीजन में बहुत ही ऑयली खाने से बेस्ट है कि आप ये सारी वेजेस खाइए जो कि ग्रीन होती है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। फ्रूट और वो सब नट्स वगैरह तो अपनी जगह है, बट जो आप खाना में खा रहे हो वो भी बहुत ही। And that's the end of this video. Hopefully, guys, आज के वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगी हो। आप ये सारे हैक्स ना अभी से अपने रूटीन में ले आइए, बहुत ही ऐसे सच हैक्स नहीं बता दिए जिसे आप फॉलो ही ना कर पाए, ये लाइक डे टू डे लाइफ में रूटीन वाले हैक्स है जो आप लाइक अगर फॉलो करना स्टार्ट कर देना, ट्रस्ट में आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ सिल्की रहेंगे, इनफैक्ट आपको कोई भी हेयर फॉल नहीं होगा, एंड थोड़े बहुत हो भी रहे तो होने दीजिए, बिकॉज उतना नॉर्मल है, बट बहुत ज्यादा हद तक मत बढ़ाइएगा। एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो बड़े वेटिंग फॉर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो को लाइक कर दो, अपनी सारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।